स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग. नाउ वी आर ऑन द प्रैक्टिस टाइम एंड वी आर डूइंग द वर्कशीट. क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस. कि जो यहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस दिए गए हैं, यहाँ पे हमें नहीं पता है कि क्या क्या है. ठीक है, अब देखो यहाँ 170 इक्वल टू 100 ml प्लस में क्या होगा. ठीक है, क्या होगा प्लस में, हमें कैसे पता चलेगा 100 में क्या ऐड करें कि 170 हो जाए. तो 170 में से 100 माइनस करके देख सकते हैं तो 70 आंसर आ जाएगा, 70 ml आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद 200 ml इक्वल टू 100, 100 और 100 200 होते हैं तो 100 भर देंगे. 180 इक्वल टू क्या होगा, 150 प्लस में 30, क्योंकि 150 में अगर 30 या ऐसे करके देख सकते हैं, 180 में से 150 को माइनस कर दो तो 30 ml आ जाएगा. 450 तो कैसे पता चलेगा, 400 प्लस में 50 ml आएगा यहाँ पे. उसके बाद 100 ml इक्वल टू, यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस हैं, 100 ml इक्वल टू क्या होगा, 10 ml है, एक एक बोतल 10 ml की है तो 100 ml भरने के लिए कितनी 10 कितनी बोतल्स लगानी पड़ेंगी, 10 बोतल्स डालनी पड़ेंगी. तो 10 क्रॉस 10 10 10 100 होता है, तो इसलिए 100 यहाँ पे 10 आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद देखिए 200 ml दे रखा है, 200 और यहाँ 50 ml दे रखा है. तो अगर हम 200 को 50 से डिवाइड कर दें, ठीक है, डिवाइड वैसे तो ये होता है सिंबल, ठीक है, ये डिवीजन का सिंबल होता है और हम इसको ऐसे करते हैं. ठीक है, यहाँ 50 लगाते हैं, लेकिन एक तरीका ये भी होता है कि हम इसको जीरो से जीरो कट कर दें और फिर इसको डिवाइड करके देखेंगे. देखो 5 4 20, तो 4 आंसर आ रहा है यहाँ पे. कट करने वाला तरीका भी हम यूज कर सकते हैं. तो अब देखो 500, अगर हम 500 को 100 से डिवाइड करें तो देखो 2 0 से 2 0 कट गई तो सिर्फ 5 बच गया, तो 5 आंसर आ जाएगा. ऐसे 120 को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे, देखो डिवाइड करने वाला तरीका मैं बता देती हूँ, फटाफट से देख लो, देख लेना. ये देखो अगर 120 दे रखा है और यहाँ पे 60 दे रखा है, ठीक है, ये एक्चुअली हम इसको डिवाइड करके देखेंगे तो ये देखो क्रॉस में है तो हमें डिवाइड करके देखना पड़ता है. ठीक है, 60 ये 0 से 0 गया, 6 2 12, तो 2 आ गया, 2 आ गया यहाँ पे. जीरो के केस में हम ऐसे कट करके देख सकते हैं, पूरा डिवीजन करके देखने की जरूरत नहीं होती है. ठीक है, ऐसे कट करके भी हम देख सकते हैं. उसके बाद देखिए कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिलीलीटर. अब आपको पता है कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, मैंने पहली क्लास में बताया था आपको 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml. तो 4 लीटर में कितने ml, 4000 ml. ठीक है, 2 लीटर में 2000 ml. ठीक है, यहाँ देखो 2 लीटर्स में 2000 ml, 12 लीटर में 12000 ml. ऐसे अब देखो 10 लीटर और 25 ml है, 10 लीटर का मतलब कितने ml, 10 लीटर का कितने मीनिंग ml, 10 लीटर में कितने ml, 10000 ऐसे लिखेंगे 10000 को, उसमें 25 ये क्योंकि ऑलरेडी ml में ही है, ये ml में कन्वर्ट कर लिया 10 लीटर को और 25 ml ऑलरेडी ml में है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ना 10025. तो यहाँ पे लिख दिया 10025. ऐसे 8 लीटर में 8000 प्लस में 10 ml करेंगे तो कितना हो जाएगा 8010 ml. 12 लीटर में 12000 ml, 12 लीटर में 12000 ml, 12000 ml में 20 ml ऐड कर देंगे तो 12020 ml हो जाएगा. ऐसे ऐड करके देख सकते हैं आप. ठीक है, अब देखिए ए मग हैज अ कैपेसिटी ऑफ 50 ml. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अब आपको ये करना क्या है, नोटबुक में लिखते जाना है. ठीक है, नोटबुक में लिखते जाना है इन क्वेश्चन को और फिर आंसर करना है. अब देखो ए मग हैज अ कैपेसिटी ऑफ 50 ml, हाउ मेनी मग्स ऑफ वाटर आर नीडेड टू फिल ए बोटल ऑफ 200 ml कैपेसिटी. ये कह रहा है कि अगर एक मग की कैपेसिटी 50 ml है तो कितने मग हमें चाहिए पानी के एक 200 ml की बोतल को भरने के लिए. देखो 200 ml ज्यादा है और 50 कम है. ठीक है, यानी कि ये हमें ज्यादा बार डालना पड़ेगा 50 ml भर भर के. तो क्या करेंगे इस केस में, 200 को हम डिवाइड कर देंगे 50 से. ठीक है, तो एक तो सीधा डिवाइड करके देख लो, या फिर अभी मैंने तरीका बताया 200 डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय ऐसे लगा सकते हैं हम. ठीक है, और इससे जीरो से जीरो कट गया और फिर 5 4 20, तो 4 mugs आ गए आंसर. ठीक है, उसके बाद देखिए हाउ मेनी मग्स ऑफ वाटर आर नीडेड टू फिल ए बोटल ऑफ 100 ml कैपेसिटी. अब 100 ml की कैपेसिटी का भरना है हमें बोटल, तो उसके लिए 50 ml के कितने मग्स डालने पड़ेंगे. वैसे भी हमें पता है 50 50 टू बार डालना पड़ेगा तो 2 mugs. या फिर दूसरा तरीका मैंने फिर से बता देती हूँ वही, कि इसको कट कर सकते हैं. कट किया 5 2 10, 2 आंसर आ गया. ठीक है,
ये ऐसे कट करना होता है, कट करने वाला तरीका भी आना चाहिए। उसके बाद देखिए, हाउ मेनी मग्स ऑफ वाटर आर नीडेड टू फिल ए बोटल ऑफ 500 ml कैपेसिटी। अब 500 और 50 के से भर रहे हैं तो 50 से डिवाइड कर देंगे 500 को, फिर से भाई 500 और इसको डिवाइड कर दो 50 से, डिवाइड नीचे लगता है तो जीरो से जीरो गया और 5 × 10 = 50 होता है तो 10 मग्स आ गया। हाउ मेनी मग्स ऑफ वाटर नीड टू फिल ए बोटल ऑफ 300 ml कैपेसिटी, फिर से वही 300/50, जीरो से जीरो गया, 5 × 6 = 30, 6 मार्क्स आ गया, इसलिए 6 मार्क्स लिखा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए बोटल हैज अ कैपेसिटी ऑफ 100 ml, देयर इज ए मार्क शोइंग 50 ml ऑन दिस बोटल। एक बोटल है, एक बोटल है, ठीक है, ये बोटल है मान लो, इस ये 100 ml की है, यहां तक 100 ml है और एक मार्क यहाँ पे 50 ml का है, ठीक है, मतलब आधी जब भरेगी तो 50 ml का मार्क है और पूरी भरेगी तो 100 ml है इसमें। तो ये कह रहा है कि 150 ml है पानी हमें डालना है, और कितनी फुल बोतल लगेंगी और कितनी हाफ बोतल लगेंगे। और देखो 150 में तो वन तो फुल बोतल डाल देंगे और एक आधी बोतल, हाफ बोतल हमें डालनी पड़ेगी 50 ml की। अब 200 ml में हम सिर्फ 2 फुल बोतल भर के डाल सकते हैं 100 ml वाली, जीरो क्यों लगाए, क्योंकि हाफ बोतल तो एक भी नहीं लगेगी उसमें, क्योंकि दोनों ही 100 भर के लगा दिया, डाल दिया। उसके बाद 250 ml के केस में हमें क्या करना पड़ेगा, दो तो बड़ी बोतल, मतलब टू तो फुल बोतल भरी हुई, यानी कि 100 ml भरा हुआ और एक हाफ बोतल हमें डालनी पड़ेगी, तो 250 ml वाटर डलेगा ना। 300 ml में क्या होगा, 3 फुल बोतल डालनी पड़ेगी, हाफ बोतल एक भी नहीं डलेगी। 500 ml में 5 फुल बोतल डलेंगी, हाफ बोतल एक भी नहीं डलेगी, जीरो आएगा इसमें। उसके बाद देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग इंटू लीटर्स। 1000 ml इक्वल टू 1 लीटर, क्योंकि 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 ml इक्वल टू 1 लीटर, 500 ml इक्वल टू 1/2 लीटर, क्योंकि देखो 1000 का हाफ कितना है, 500 ml है, तो ये 1/2 लीटर, 250। अब देखो ये क्या है, 250 का मतलब कि 1000 में अगर 250 देखे तो 4 बार बनेगा, यानी कि 1/4 है ये, 1/4 लीटर, 1/4 लीटर आएगा। 2000 ml में 2 लीटर, 3000 ml में 3 लीटर, 4000 ml में 4 लीटर, ये तो सीधा सीधा कर सकते हैं हम, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिलीलीटर एंड ऐड। इनको कन्वर्ट करना है पहले मिलीलीटर में, देखो लीटर दे रखा है, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं मिलीलीटर में तो कितना हो जाएगा, 2000, देखो 2 लीटर में कितने मिलीलीटर, 2000 है ना, 2000 ml, उसमें 250 को ऐड करूंगी तो कितना हो जाएगा, 2250 ml, है ना, ओके। तो इसको सीधा सीधा हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख दूंगी मैं इसको, 2250 ml, ml में कन्वर्ट हो गया। दूसरा भी 3000, देखो 3 ml में कितने, 3000 और 450 और ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 3450 ml। इनको ऐसे कन्वर्ट कर लेना और फिर ऐड करना है, 0, 0, 5 और 5, 10 हो गया, 1 कैरी गया, 2 and 1 3, 3 and 4 7 और 2 and 3 5 and 1, नहीं कैरी नहीं जाएगा इसमें, 5 ही आएगा, 57, मतलब 5700 ml आ गया। एक्चुअली ये कितना आ गया, 5 लीटर, अगर कन्वर्ट करें हम इसको लीटर में तो ये 1000 वाली वैल्यू जो है, 5000 है ना, 5000 वाली वैल्यू लीटर में चली जाएगी, यानी कि इतना आ जाएगा 5 लीटर, और ये जो बाकी 700 बचेगा ये ml ही रहेगा, क्यों, क्योंकि लीटर में 1000 होते हैं और ये 1000 है नहीं, ये तो 1000 से कम है, इसलिए लीटर बना नहीं, इसलिए कितने हो गए, 5 लीटर और 700 ml हो गए। इसी तरह से ये भी करना है, ठीक है, 12500 ml, फिर ये कितना हो गया, 24000 और 90 ml। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है 100 के, तो जीरो लगेगी इस केस में, यहाँ पे 09563 ये आ गया, ये ml आ गया इतना, ठीक है। तो इसी तरह से ये भी और ये भी करना है, ठीक है, और नेक्स्ट पेज भी हैं, दो क्वेश्चन ऐसे ही वो करने हैं आपको, खुद से करना ये ट्राई, ठीक है। चलिए मैं बता देती हूँ फटाफट, खुद से भी ट्राई करना, पहले खुद से ट्राई करना फिर देखना इसका आंसर, ठीक है, पहले स्टॉप करके खुद से आंसर करो। देखो 6 लीटर 500 ml है, तो 6500 ml, ये कितना है, 70000 हो जाएगा। देखो 70 लीटर है ना, तो 70000 यहाँ पे जाएगा, ये तो 6000 था, 70000 तो इससे आगे चला जाएगा 70000, और 80 ml है, देखो बेटे 80 ml, तो इसके नीचे आएगा, ये एक्चुअली ऐसे आएगा, ठीक है, ये इतना ml आ जाएगा, ये ध्यान रखना आपको ऐड करते वक्त,
ये देखो 10,200, ठीक है, वंस टेंस। अब ध्यान रखो, या तो आप लिख लो वंस टेंस 100,000 10,000, फिर आपको पता चल जाएगा। अब देखो 5,000 है तो यहाँ पे आएगा, 10,000 में तो जाएगा नहीं है, ठीक है, तो ऐसे ऐड हो जाएगा ये 0,6 और 1,00, 16,000 ml आ जाएगा। ये खुद ऐड करना, मैंने लिखना सिखा दिया है। नेक्स्ट में भी देखो 80,000, 80 लीटर है तो 80,000, लेकिन प्लस में 10, 80,000 कैसे लिखोगे आप? देखो ऐसे लिखोगे 80,000 और उसमें 10 ऐड करोगे, यहाँ पे 10 ऐड करोगे ना, तो क्या हो जाएगा? देखो ऐसे आएगा, ये इतना आएगा, ठीक है। ओके ओके, ये तो अलग है वैल्यू, सिर्फ 80,000 है इसमें, 10 ml तो है ही नहीं, सिर्फ 80,000 है, 80,000, क्योंकि देखो 80 लीटर है और फिर 10 लीटर ये अलग है, एंड लगाया ना, तो 10 लीटर और 200 ml है, तो 10,000 और 200 ml है, ये ml, ये भी ml, ऐड कर देंगे 0,209, 90,200 ml आ गया। ऐसे इसमें 14,630 ml सीधा कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे 14,000 में प्लस 630 करेंगे तो 14,630 ml आ जाएगा। उसके बाद 5,000, देखो 5 लीटर 5,000, ठीक है, 5,000 और 250 ml, ऐसे ऐड कर देंगे इसको भी, 8,891 ये ml आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आंसर निकालेंगे, आज इतना ही करेंगे, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, हैव ए नाइस डे।